नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाई एस्ट्रोलॉजर में। आज हम इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं और इस जन्म कुंडली में देखते हैं कि ये जो जातक है वो क्या प्रोफेशन करता है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी और कौन सा प्लेनेट जो है वो इनको इस लाइन में लाया है और इनके आगे की लाइफ कैसी रहेगी। तो ये जो जन्म कुंडली है ये वृषभ लग्न की है और लग्न में गुरु देवता बैठे हैं और सातवें घर में सूर्य, बुध और चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा जो है वहां पे नीच का हुआ है और यहाँ पे राहु जो है वो दशम घर में है, बहुत ही अच्छे हैं। राहु जो है दशम घर के कारक ग्रह होते हैं, केतु जो चौथे हाउस में बैठे हैं, शुक्र जो है वो छठे हाउस में बैठे हैं और शनि देवता जो है वो अष्टम हाउस में बैठे हैं। वैसे शनि का ये कारक भाव है, यानी कि शनि जो है अष्टम हाउस के कारक ग्रह हैं। तो अगर हम योग कारकता की बात करें तो शनि इस कुंडली के पंचम और दशम घर के नवम और दशम घर के मालिक है और सबसे योग कारक होते हैं और वो अष्टम भाव में बैठे हैं। तो हम इस कुंडली में कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लेते हैं कि इनकी जो एजुकेशन है वो किस लेवल की गई है और इनको क्या इनका प्रोफेशन है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो महादशा का नाथ कौन है, यानी महादशा जो नाथ है वो शुक्र देवता है 2000 से लेकर 2020 तक। तो महादशा का नाथ शुक्र देवता है तो इसमें इनकी मेन प्राइम एजुकेशन जो है वो इसमें हुई है। तो शुक्र देवता क्या सिग्निफाई करते हैं और शुक्र देवता किन घरों के मालिक हैं? शुक्र देवता जो है वो पहले घर के मालिक है और छठे घर के मालिक है। शुक्र देवता जो है वो विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा जो नक्षत्र है वो गुरु देवता का है। गुरु जो है वो आपके अष्टम घर के मालिक हैं, ग्यारहवें घर के मालिक हैं। और आपके देखिए ये जो है शुक्र देवता वो केतु के उप नक्षत्र में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुक्र जो है वो तुला राशि में है, विशाखा नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है और केतु का उप नक्षत्र है। केतु जो देवता है वो चौथे घर में विराजमान है और सातवें घर के मालिक है सूर्य, उनकी राशि है और छठा पांचवा घर भी लेते हैं। केतु का प्रेडिक्शन जो है उनके लिए चार रूल हैं, वो मैंने मेरे इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, हाउ टू प्रेडिक्ट राहु एंड केतु, उसमें मैंने केतु का प्रेडिक्शन करना बताया था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो केतु है ये शुक्र जो है उसकी योग कारकता को बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि शुक्र ने जो हाउस दिए हैं वो छठा हाउस दिया है और जुपिटर ने जो हाउस दिया यानी गुरु ने जो हाउस दिया वो आठवां और बारहवां दिया। यहाँ पे क्या है, केतु ने यहाँ पे चौथा और पांचवां हाउस दिया। चौथा जो है वो प्राइम एजुकेशन का है, पांचवां जो है वो इंटेलिजेंसी का है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चौथा हाउस जो है और पांचवां हाउस है वो गुरु के आठवें और बारहवें के साथ कनेक्ट हुआ तो इनको सॉफ्टवेयर की लाइन मिली। सॉफ्टवेयर के जो भाव होते हैं वो पांचवां हाउस होता है, उसके साथ आठवां और बारहवां हाउस जब कनेक्ट होता है तब वो सॉफ्टवेयर बनाता है और इसके साथ अगर दसवां और ग्यारहवां हाउस अगर ऐड होता है तब जाके वो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। तो ये जो हाउसेस है ये हमें याद रखनी चाहिए। तो इनकी जो एजुकेशन है वो अच्छी निकली है और इनको जो प्रोफेशन मिला उसमें राहु का, शनि का और कहीं ना कहीं शुक्र का, ये सबका मिला जुला हाथ है। मेन क्या होता है, राहु जो है वो दशम घर का है तो राहु जो है वो इन्हीं क्रियाओं में ले जाता है। राहु जो है वो सॉफ्टवेयर जैसी गहन और कंप्यूटर से रिलेटेड जो वर्क होता है उसमें व्यक्ति को खींचता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें बताती है कि ये जो जातक है वो सॉफ्टवेयर लाइन से है और इनकी एजुकेशन अच्छी हुई है। अब इनकी बात करते हैं मैरिज रिगार्डिंग। मैरिज के लिए देखिए सर जी, इसमें कई सारे प्लेनेट हैं जो अच्छे हैं और बुरे हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुरु जो है वो मार्केश है इस कुंडली के और गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पे आती है तो शादी में विलंब और शादी के लिए परेशानी उत्पन्न करता है। लेकिन यहाँ पे इस हाउस में बुध, सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं। एक चीज और है, यहाँ पे चंद्रमा की गुरु की सप्तम दृष्टि बनती है जिसकी वजह से गज केसरी योग भी बनता है। लेकिन चंद्रमा भी इस कुंडली का मार्केश है और गुरु भी मार्केश है तो उस वजह से ये जो योग है ये नहीं बन पाता है और इसके अलग से भी कुछ कारण है। लेकिन बुध, सूर्य और चंद्रमा तीनों ही जो प्लेनेट हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और जो ज्येष्ठा जो नक्षत्र है वो बुध देवता का है। लेकिन तीनों के अलग अलग रिजल्ट हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो नीच के हुए हैं तो नीच का चंद्रमा क्या रिजल्ट देता है,
ये हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बुध और शुक्र को जान ले, सूर्य को जान लेते हैं। तो बुध देवता यहाँ पे अच्छे हैं, और बुध देवता जो हैं वो इनकी जो मतलब मेन जो काम करने में जो मैनेजमेंट है उसको दर्शाता है, यानी कि बुध यहाँ पे मैनेजिंग पावर को दर्शाता है। क्योंकि बुध जो है वो पांचवें घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। दूसरा घर जो है वो हमारे कुटुंब का होता है, हम अपने कुटुंब में रहते हैं तो हर चीज को मैनेज करके चलते हैं। तो मैनेजिंग जो लेवल का हमें एजुकेशन है, वैसे मैनेजिंग लेवल की जो एजुकेशन है वो 10वें और 11वें घर से आती है। तो इसमें 10वां 11वां घर जो है वो शनि का मिला हुआ है, क्योंकि बुध जो है वो शनि के उप नक्षत्र में है। लेकिन बुध जो है वो खुद भी दूसरे और छठे पांचवें घर के मालिक हैं। तो यानी कि बुध के पास मैनेजिंग पावर है, और एक मैनेजिंग पावर होती है उसमें सातवां घर भी इन्वॉल्व होता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें देखनी है कि बुध जो है सबसे योग कारक है इस कुंडली का। बुध जो है उसके पास मैनेजिंग पावर है, और वही जो है वो मैरिज का भी एक कारक ग्रह है, क्योंकि वो सातवें घर का मालिक है, दूसरे घर का भी मालिक है और 11वें घर का भी मालिक है। तो ये चीजें हमें नोट करनी है। 11वें घर का मालिक जो है वो इसलिए है क्योंकि वो आपकी इसमें शनि की राशि में आता है, सॉरी शनि के उप नक्षत्र में आता है। तो शनि जो है वो 11वें घर का भी मालिक है, क्योंकि आपके सामने 11वें घर में मीन राशि आ रही है। अगर हम इसको निरायण भाव चलित में जाके देखें तो यहाँ पे शनि की जो कुंभ राशि आएगी, जैसे शनि को यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्यूपाइंट हाउस इसको 8th हुआ है, और ये जो माल ये इसको जो घर मिले हैं वो 9वां 10वां और 11वां घर मिला है। तो उस वजह से शनि जो है वो इस कुंडली में बड़े ही योग कारक है, और योग कारकता के कारण इनको बुध बुध को भी इन्होंने बहुत योग कारक बना दिया। तो ये चीजें हमें नोट करनी है। बुध जो है वो इस कुंडली का सबसे योग कारक है। सूर्य जो है वो भी योग कारक है। क्यों है योग कारक सूर्य? क्योंकि सूर्य जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो मालिक है वो बुध देवता है। तो अगर बुध योग कारक है तो फिर सूर्य भी योग कारक हो गए, क्योंकि ये दोनों जो है एक ही नक्षत्र में है। इसके बाद देखिए सूर्य जो है वो मंगल के उप नक्षत्र में है। तो इस जन्म कुंडली में मंगल जो है वो लाभ घर के मालिक बन के बैठे हैं। वैसे इस कुंडली के मंगल जो है वो योग कारक नहीं है, लेकिन लाभ में बैठे हैं और सप्तम स्थान के मालिक है, यानी कि इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो मैरिज की मिली है। तो मंगल जो है वो मैरिज के लिए अच्छे हैं और इनको काफी कुछ फायदा करा रहे हैं। तो सूर्य भी योग कारक हो गए, बुध और सूर्य। यहाँ पे देखा जाए चंद्रमा को तो नीच के जरूर हुए हैं, लेकिन ये बहुत योग कारक है, ये भी मैरिज के लिए योग कारक है। अब चंद्रमा का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है नीच का होने की वजह से? नीच का जो हुआ है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट वो है कि आठवां जो भाव होता है वो है हमारी मृत्यु का, और जो ये आठवीं का जो 12वां भाव है वो है हमारे जो है मृत्यु में कुछ कमी रह जाने को, यानी 7वां भाव जो है वो 8वें भाव का 12वां भाव है। तो 7वें भाव का कॉम्बिनेशन 8वें से और 8वें का अगर 12वें से बनता है तो एक्सीडेंट के योग बनते हैं। जो जो हमारे ये जो चंद्रमा देवता है वो सिग्निफाई करते हैं। कैसे करते हैं? चंद्रमा जो है वो यहाँ पे देखो आप, चंद्रमा जो है वो बुध देवता के नक्षत्र में है। बुध देवता जो है वो दूसरे घर के मालिक है और पांचवें घर के मालिक हैं, और यहाँ पे 7वें घर के भी मालिक हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये जो है वो गुरु के उप नक्षत्र में है। यहाँ पे अंग देखेंगे चंद्रमा को तो गुरु का उप नक्षत्र है। गुरु जो है वो उनकी जो मीन राशि है वो 12वें घर में आती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेष राशि आ रही है, लेकिन हम नारायण में जाके देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम गुरु के देखें भाव तो यहाँ पे गुरु जो है ऑक्यूपेंट हाउस 12वां हुआ है और इनकी जो एक हाउस 8वां मिला है। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 7वें भाव में चंद्रमा बैठा है और 12वें और 8वें भाव से इनके संबंध बनते हैं, क्योंकि जो गुरु है वो 8वां और 12वां घर सिग्निफाई करता है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है ना वो 7वें घर का संबंध बना 12वें से और 12वें का 8वें से। तो ये जो क्या है, मृत्यु तो नहीं हुई है लेकिन बीच में फंस गए, तो ये है एक्सीडेंट। तो ये एक्सीडेंट के योग बने हैं। चंद्रमा यहाँ पे कभी भी जब भी अंतर दशाओं में आएगा और कुछ नेगेटिव प्लेनेट के साथ वो जब गोचर में भी ट्रांजिट करेगा तो वो जो जातक है वो उसके साथ ऐसे हादसे होने के मतलब मौके बनेंगे। और जब हमारी बात हुई इनसे तो इनके ऐसे ही मौके बने थे जो चंद्रमा की अंतर दशाओं में आए हैं।
तो ये हमें देखना होता है। यहाँ पे मंगल भी ऐसे योग बनाता है, और कई बार ऐसे योग जो हैं वो शनि भी बना देता है। लेकिन इस कुंडली में अगर हम शनि को देखें तो शनि जो है वो सबसे योग कारक है, क्योंकि शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में है, और यहाँ पे मूला मूला नक्षत्र लिखा हुआ है, तो केतु के नक्षत्र में है, और उप नक्षत्र जो है वो शनि का ही है। तो शनि अपने ही उप नक्षत्र में आने की वजह से सबसे योग कारक प्लेनेट बन गए, और केतु के नक्षत्र में, केतु जो है वो इस कुंडली का सबसे योग कारक प्लेनेट है। तो उस वजह से काफी सारे जो पॉजिटिव इम्पेक्ट है इस कुंडली में। और मेनली देखा जाए तो पांचवें घर का संबंध हमेशा आठवें घर से हो रहा है, तो उसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर लाइन में है, और एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर लाइन में है, और मैनेजमेंट जो सर्विस है उसमें ये आ जाएंगे, और सॉफ्टवेयर में ही एक टीम लीडर या कोई मैनेजर टाइप का इनको एक जो पदवी है, स्थान है, वो मिल जाएगा। अब जो क्यूरी आई है हमारे पास इस जन्म कुंडली की, वो थी मैरिज को लेके। मैरिज को मतलब क्यों नहीं हो पा रही है या क्या प्रॉब्लम आई है, तो उसकी मेन वजह यह है कि केतु जो है वो मैरिज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो शुक्र भी कुछ नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि उस वो भी छठे आठवें और बारहवें घर का रिजल्ट बनाता है, तो कुछ कुछ जो नेगेटिव है वो शुक्र भी बन जाता है। और इनको मैरिज की इच्छा हुई है, मतलब क्या होता है मैरिज की, इनको मतलब मैरिज में रुकावटें भी आई है, और अब इनकी जो तीव्रता से इच्छा हुई है, तीव्रता से इच्छा होने का कारण क्या हुआ कि सूर्य देवता जो है वो अंतर दशाओं में आया है। तो सूर्य देवता जो अंतर दशाओं में आया तो इनकी इच्छाएं हुई, और सूर्य जो है वो स्ट्रांगली मैरिज को रिकमेंड करते हैं, तो इसलिए हमने इनको एक रूबी जो स्टोन है वो रिकमेंड किया, जिससे कि इनको मैरिज में काफी फायदा मिले और मैरिज होने के चांस अधिक से अधिक बने। ये जो प्लेनेट है सब अपने अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिबल है एक रिजल्ट देने के लिए, और अपने अपने हिसाब से हर तरह के रिजल्ट बना देते हैं। यही केतु जो है वो नौकरी के लिए अच्छा है, और किसी प्लेनेट के लिए अगर आता है उसके नक्षत्र उप नक्षत्र में तो उसको अच्छा कर देता है, लेकिन मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। यही चंद्रमा जो है वो मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन कभी कभी हादसे जैसा संयोग बना देता है। तो ये सब चीजें हैं, एक प्लेनेट एक रिजल्ट नहीं देता है, उसको हर एंगल से देखना चाहिए, और उसके कई तरह के रिजल्ट आते हैं, और हर प्लेनेट एक इवेंट है, हमें उस प्लेनेट का एक इवेंट समझ के उसका योग कारकता का फायदा लेना चाहिए। जैसे हमें शादी है तो शादी के लिए कौन सबसे योग कारक है उसका स्टोन डाले, फिर बिजनेस है, नौकरी है, उसके लिए कौन है, हर चीजों का एक अलग अलग से मतलब हर कुंडली के अंदर एक प्लेनेट ऐसा होता है जो उस कार्य को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमें बस यही डायग्नोस करना चाहिए कि उस प्लेनेट को हमें पकड़े, और उस प्लेनेट के थ्रू हम अपनी प्रेडिक्शन को मतलब उस लेवल पे ले जाएं जिससे कि जातक का फायदा हो और हमारा काम जो है वो सही तरीके से चले। तो ये जो वीडियो था, हमने प्रेडिक्शन करके बताया काफी सारे प्लेनेट का, ये कुछ कॉम्बिनेशन बताए हैं और कुछ अलग सा रूल था। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और आप अगर अपनी जन्म कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं, फलित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करें। मेरा मोबाइल नंबर है 0729697 8417, और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। तो धन्यवाद दोस्तों।